हेलो फ्रेंड्स, दिस मनीष जायसवाल अगेन फ्रॉम एस्पायरिंग लाइफ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पासिंग परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंट्री फॉर डिफरेंट ईयर, जो कि आज तक मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स ने आपको शेयर नहीं किए और आपको इंटरनेट पर भी इजिली वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको ये जो आपको मैं पीछे में डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के डेटा को आपको दिखाया होगा, जो कि 2012 से 2014 तक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के MCI द्वारा FMGE एग्जाम का पासिंग परसेंटेज के बेसिस पे उन्होंने एक रैंक शीट प्रिपेयर किया था, उसके बारे में आपको दिखाया होगा, जो कि पीछे डिस्प्ले है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का, जिसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, जिससे आप डाउनलोड करके 2012 से 2014 तक का देख सकते हैं। ये डेटा इजिली अवेलेबल है, बट हमेशा कंसल्टेंट इसी को यूज करते हैं। उसके बाद का 2015, 2016, 2017, इन सब ईयर्स में क्या हुआ, FMGE किस कंट्री में कितने बच्चे पास किए, कैसा रहा, कौन सा ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये सब ओवरऑल तो अवेलेबल है, बट कंट्री टू कंट्री अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कई सारे ITI फाइल किए और ITI फाइल करके मुझे कई सारे इंफॉर्मेशन मिले अबाउट FMGE एग्जाम फॉर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट एग्जामिनेशन ईयर और डिफरेंट एग्जामिनेशन सेशन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा हाईएस्ट FMGE पासिंग परसेंटेज फ्रॉम 2012 टू 2017, मतलब पांच साल में, लास्ट पांच साल का क्यूमुलेटिव पासिंग परसेंटेज फॉर FMGE हाईएस्ट टॉप 5 कंट्री या टॉप 6 कंट्री कौन कौन सी रही है, इसका मुझे ITI मुझे डायरेक्टली मिला था और उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसमें नंबर 1 में मॉरिशस है, सेंट लूसिया, सेंट किट्स, फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश, सबके हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज भी आपको बगल में दिखा, ऑलमोस्ट सब 40% के और उससे ऊपर में है। तो ये है लास्ट 5 ईयर का, मतलब 2017 तक का 5 ईयर का FMGE पासिंग परसेंटेज जो डिफरेंट डिफरेंट टॉप कंट्रीज का है। अब आप नोटिस करेंगे ये 5 कंट्री या 6 कंट्री में FMGE पासिंग परसेंटेज हाईएस्ट क्यों है। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो इसमें आपको दिखेगा ये इन सभी 6 कंट्री में, 5 या 6 कंट्री में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। ये बात अगर आप नोटिस करते हैं तो आप फ्यूचर में जब भी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, ये कोई फ्लूक में आया हुआ रिकॉर्ड नहीं है, 5 सालों तक का, मतलब टोटल 10 एग्जाम्स का रिपोर्ट है। तो 10 एग्जाम के बाद जब रिपोर्ट निकलता है कि ये 6 कंट्री टॉप कंट्रीज है जहां पर FMGE पासिंग परसेंटेज हाईएस्ट है और वहां इच्छा की 6 कंट्री अगर इंग्लिश उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका एजुकेशन में। ये है पहला चीज। दूसरा, इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर कुछ और डेटा भी दे रहा हूं। ये फ्रॉम 2002 जब FMGE एग्जाम स्टार्ट हुआ था पहली बार, तब से लेकर के अभी 2017 दिसंबर तक, मतलब 2018 में जो रिजल्ट आया तब तक का FMGE जो टोटल अभी तक 30 एग्जाम्स हो चुके हैं, हर सेशन का, हर एग्जाम में टोटल बच्चे के का पासिंग परसेंटेज मैंने यहाँ डिस्प्ले किया। अगर इस सबसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे नंबर दिया उस पर कॉल भी कर सकते हैं और डिटेल में जानने के लिए। और फाइनली मैं स्क्रोल में आपको वो डेटा दिखा रहा हूं जो 2017, जो कि सबसे लेटेस्ट अवेलेबल मुझे मिला है, 2017 का गवर्नमेंट का डेटा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा नहीं है, कि मैं अपने तजुर्बे से नहीं बता रहा हूँ, ये ITI का डेटा है। 2017 का 2 एग्जाम हुआ था FMGE का, उस दोनों एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज परसेंटेज मैं नीचे में रोल डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपको जिस भी कंट्री का देखना हो वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल करिए, और 2015 का, 2016 का आप जानना चाहते हैं, आप जिस कंट्री को चूज करें वहां का FMGE पासिंग परसेंटेज लास्ट 2 साल का कितना है, लास्ट 3 साल का कितना है, आप मुझे कॉल करिए या मेरे ऑफिस में टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए, आपको डिटेल बताई जाएगी। और कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर रहेगी, आपका प्रॉपर काउंसलिंग अगर आपको चाहिए कि भाई आप किस कंट्री में जाना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हर इंसान के लिए हर कंट्री नहीं बने हैं। आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्या आप वापस इंडिया आना चाहते हैं, क्या आप बाहर से बाहर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, क्या आप USMLE देना चाहते हैं, प्लैब देना चाहते हैं, क्या आप इंडिया में PG देना चाहते हैं, इस टाइप के कई क्वेश्चंस के आप जब आंसर करते हैं
उसके बेसिस पे हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेटर होगा। हम कोई गारंटी या कुछ भी ऐसा एश्योरेंस नहीं देना चाहते कि मैं जो बोल रहा हूँ वही बेस्ट है। हम आपको वैसे क्वेश्चंस और वैसे आंसर्स देते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना खुद का रिसर्च यूज करके फिर डिसाइड करें आप किस कंट्री में जाएं। तो इन सब तरह के इंफॉर्मेशन हम प्रॉपरली गवर्नमेंट से निकाल के, गवर्नमेंट से आरटीआई करके आपको देते हैं। अभी तक मुझे नहीं पता, शायद इंडिया में किसी भी कंसल्टेंट ने ये डेटा आज तक डिस्प्ले नहीं किया है। सब अपना 2014 तक का डिस्प्ले करके उसी के ऊपर आपको पूरा का पूरा किए हैं, वो जो कि पब्लिकली गवर्नमेंट ने डिस्प्ले किया था। हमारी कंपनी आरटीआई करती है, हमारी कंपनी एजुकेशन को लेकर के रिसर्च करती है और ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने सीख किए हैं और तभी शायद ये पहली बार इंटरनेट पे ये सारे इन्फॉर्मेशन ओपनली मैं आपको पब्लिश करके दे रहा हूँ। आप इसको देखिए, आप समझिए किस कंट्री का एफएमजी पासिंग परसेंटेज कितना है। ये सब अगर आप समझते हैं इसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जिस भी कंट्री में मेडिकल पढ़ने जाए आपको ये मैटर नहीं करता। अगर आप वापस आके एफएमजी पासिंग कर लेते हैं तो ओवरऑल एक इंडिया में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बन जाते हैं। कहीं पर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, कहीं पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, ये सब चीज एक तरफ, लेकिन एफएमजी पासिंग करना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कॉलेज के कट ऑफ भी होते हैं, आप ऐसी कंट्री में मत जाइए या ऐसे कॉलेज में मत जाइए जिसका कट ऑफ ही 50%, ऐसे 50% वाले सारे बच्चों को ले लेते हैं और आपका 80% है। आपके क्लास में अगर सारे आपका 80% है, आप भी चाहेंगे ना कि आपका बच्चा या आप खुद ऐसे कॉलेजेस में जाए जहाँ का ओवरऑल पासिंग, जहाँ का सारा बच्चा ऑलमोस्ट 70% से ऊपर वाला एक साथ पढ़ाई करता हो। तो इस टाइप के कॉलेजेस को कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप कैसे जानेंगे इस कॉलेज में 50% वाले बच्चे का होता है और इस कॉलेज में 80% के नीचे बच्चों का नहीं होता है। इस टाइप के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मुझे कॉल करिए, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे डायरेक्टली अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के बातें करिए कि आपके परसेंटेज के लिए आपके लिए कौन सा कंट्री या कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा टू चूज। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने तरफ से देते हैं, फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को खुद से रिसर्च करिए और फिर फाइनली आप अपने कंसल्टेंट, अपने सिटी के कंसल्टेंट या फिर हमारे थ्रू जहां से आपको सही लगे एडमिशन लीजिए। बट हमारा टारगेट एक ही है, आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ अब्रॉड जाना है, ना कि आपको ऐसा लगे अब्रॉड जाने के बाद कि मुझे सही बातें नहीं पता थी और मैं आ गया, क्योंकि वो इनिशियल फेज के कारण बहुत बच्चे लौट आते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से जाते हैं, प्रॉपर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके जाते हैं तो आप प्रिपेयर्ड होकर के जाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा एस्पायरिंग लाइफ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको फ्यूचर में भी इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। अगला वीडियो भी मैं कुछ इस टाइप का बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉलेज के कितने कट ऑफ होते हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ रिसर्च करके एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।